दोस्तों, आप NPCI का स्टेटस अपने मोबाइल से किस तरह से चेक करेंगे? जैसा कि इस टाइम लोग बहुत ही परेशान हैं, जैसा कि UP स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया, उसमें जो है NPCI को अनिवार्य कर दिया गया है। जिनका भी NPCI लिंक नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, उनका जो है फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा है। जैसा कि अब जो है किसी भी सरकारी योजनाओं का पैसा अगर आपको मिलना है या किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड NPCI एक्टिव नहीं होता है, तो आपको इस कंडीशन में जो है आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपना स्टेटस किस तरह से चेक करना है कि आखिर में आपका NPCI आपके बैंक के साथ जो है आपका आधार कार्ड एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका DBT NPCI एक्टिव होता है, लिंक होता है, तो आप अपना स्टेटस जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिव लिख के आता है, और अगर आपका NPCI एक्टिव नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रॉस का निशान यहाँ पर बना होगा ऊपर में लोगो, और यहाँ पर इनएक्टिव लिख के आता है, और यहाँ पर लिख के आता है प्लीज़ चेक विथ योर बैंक टू गेट योर आधार नंबर लिंक टू योर बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट के साथ जो है आपका जो है आधार कार्ड नंबर जो है लिंक नहीं हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर इनएक्टिव लिख के आ रहा है। आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। जैसा कि आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसा कि आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं या कंप्यूटर से चेक करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सबसे पहले सर्च बार में डाल देना है, जैसे कि मैं आपको सबसे फर्स्ट वाली पासवर्ड बता देता हूँ डायरेक्ट NPCI की। जैसा कि आपको NPCI यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद में आपको सर्च पे प्रेस करना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में ही शो होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना, तो यहाँ पर लिखा होता है कंज्यूमर, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर, तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है, और इस पर आप जैसे टच करेंगे तो ये अगला स्टेप जो है, ये अगला डिटेल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अभी प्रोसेस ले रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, और वेट करने के बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगला स्टेप जो है ओपन होके आ चुका ना, यहाँ पर लिखा होता है एंटर आधार, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर सिंपली फिलअप करना है, और उसके बाद में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको टाइप करना है, और उसके बाद में आपको सिंपली चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिख के आ जाता है 6 digit OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी मोबाइल नंबर पर 6 digit का जो है OTP भेज दिया गया होगा। तो आपको यहाँ पर एंटर OTP वाले ऑप्शन पर OTP को एंटर कर लेना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, आपको उस OTP को यहाँ पर टाइप करके आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सबमिट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका NPCI का स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड का लास्ट का 4 digit भी शो होके आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैपिंग स्टेटस में यहाँ पर एक्टिव लिख के आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपका NPCI एक्टिव हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NPCI का स्टेटस यहाँ पर एक्टिव लिख के आ रहा है, और यहाँ पर आप देखते हैं तो लिखा होता है लास्ट अपडेटेड डेट, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस डेट में जो है आपका NPCI ऑन किया गया है। यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन शो होके आता है, जैसा कि आपके किस बैंक के साथ जो है आपका आधार कार्ड NPCI ऑन किया गया है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बैंक का नाम भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक का नाम भी यहाँ पर लिख के आ रहा है, जैसा कि इसी बैंक के साथ जो है आपका NPCI एक्टिव किया गया है। लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ चेक करने का। जैसा कि ये वेबसाइट जो है कभी कभी नहीं चलती है, तो आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार में लिखना है माई आधार, इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस करना है, और उसके बाद में आपको माई आधार का सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये माई आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है लॉगिन, तो आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंगूठे का निशान बना होगा, और उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन लिखा होगा, तो आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला स्टेप जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर भी आपको अपना आधार कार्ड का नंबर पूरा एंटर करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है एंटर आधार, तो अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का पूरा नंबर आपको सिंपली यहाँ पर पूरा फिलअप करना है,
और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है कैप्चा कोड, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करके आपको सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ जाएगा ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर लिख के आ रहा ना, तो आपको यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा होता है एंटर ओटीपी, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी सेंड किया गया होगा आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद में आपको सिंपली लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है, यहाँ कि आपका यहाँ पर फोटो भी लोगो में शो होके आ रहा होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड भी शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपना NPCI का स्टेटस किस तरह से चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है और इस पर आप जैसे टच करेंगे तो आपका NPCI का स्टेटस आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार कार्ड का नंबर भी आपका 4 डिजिट में शो होके आ ही रहा है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक का नाम भी लिख के आ रहा है कि किस बैंक में जो है आपका NPCI एक्टिव है, और यहाँ पर आपका एक्टिव भी लिख के आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर आपका इनएक्टिव होगा तो आपको किस तरह से शो होके आएगा, जैसा कि आपको मैंने दिखाई दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर इनएक्टिव लिख के आ जाएगा। और यहाँ पर लिंक करने के लिए आपको बताया जाएगा कि आप जो है अपने बैंक में जा करके अपना आधार कार्ड जो है NPCI एक्टिव करा लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपना NPCI का स्टेटस अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं बिना बैंक जाए। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आप जो है अपना NPCI का स्टेटस किस तरह से चेक करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम सब बना के लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।